हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स समय पर अप टू डेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहले यूपी टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा, इस माह होगा ऐलान। तो इसके बारे में पूरा न्यूज़ अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। पेपर की कटिंग है और इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, इसको पूरा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ जो है लखनऊ से है, यानी कि ये यूपी की न्यूज़ है, जहाँ से जो है बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती होने की बात कही जा रही थी, तो उससे रिलेटेड ये जो है कटिंग है। तो इसके बारे में पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले यूपी टीईटी होगी, उसके बाद होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इसी के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों के लिए अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं अभ्यर्थियों की मुराद जल्दी पूरी हो सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी महीने होने की पूरी संभावना है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021, ठीक है, यहाँ दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टीईटी करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि भर्ती की तैयारियों के तहत यूपी टीईटी नवंबर में कराई जा सकती है। शासन ने परीक्षा संस्थान से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जा सकती है। तो ये जो है कि सबसे पहले नवंबर में हो सकता है कि आपकी यूपी टीईटी हो जाए और उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है आपकी दिसंबर में होने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी 15 दिन से जो है रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। तो जैसे कि पहले ही मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ था कि ये जो है सबसे बड़ी भर्ती शिक्षकों की हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। बता दें कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दौरान शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया था कि विभाग में 51,112 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों में नई शिक्षक भर्ती जोड़ा जा सकता है। 68,500 भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए रिक्त पदों को लेकर माथापच्ची की जा रही है। वहीं 69,000 शिक्षकों के सारे पद 3 चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी भरे नहीं जा सके हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है कि हाल के वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले वह कोरोना काल में काल कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी अपने रिपोर्ट जल्द सीएम योगी को सौंपेगी, क्योंकि विलंब होने पर भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो पाना मुश्किल हो जाएगी। तो चूंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, चुनाव के मद्देनज़र जो है सरकारें भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सी तेज़ी लाती हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। आई होप पूरी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।